तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान का फेमस घेवर, और वो भी एकदम कम बजट में, एकदम आसानी से। आपको इसको 10 से 20 मिनट तक फेंटना भी नहीं पड़ेगा और एकदम आराम से आपका जालीदार घेवर घर पे ही बनके तैयार हो जाएगा। और जिसे भी खिलाएंगे वो यकीन नहीं मानेगा कि आप ये घेवर घर में बना के तैयार किए हैं। तो चलते हैं दोस्तों ये जालीदार घेवर को बनाने के लिए घर पे। तो दोस्तों घेवर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे घी 4 चम्मच घी ले लिया है। घी को हमें मेल्ट करके लेना है, तो ये मेल्ट किया हुआ घी है। तो दोस्तों इस घेवर को एकदम आसानी तरीके से बनाने के लिए हमने यहाँ पे मिक्सर जार ले लिया है। आप जो एक भगोने बर्तन में घी या फिर बर्फ़ डाल के बनाते हो 15 से 20 मिनट आपका मेहनत चला जाता है, और इस तरीके से मिक्सर जार में अगर आप बनाते हो तो एकदम आसानी से बन जाता है बिना मेहनत के। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे इस घी को डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे बर्फ़ ले लिया है, हमने यहाँ पे 3 से 4 बर्फ़ ले लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं डालना है। अब दोस्तों इसमें हम 1 चम्मच जितना पानी डालेंगे। इस तरीके से अगर आप घेवर को बनाते हैं तो ये एकदम आसान तरीके से बनके तैयार होता है। आपको 15 से 20 मिनट तक हाथों से इसे फेंटना नहीं पड़ता है और आपका एकदम आसानी से अच्छी घेवर बनके तैयार हो जाती है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है, और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसे हम निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे 1 कप मैदा ले लेना है, और 1 कप ही हमने यहाँ पे ठंडा पानी लेना है। तो हमें यहाँ पे फ्रिज का चिल्ड पानी लेना है। तो 1 कप मैदा में हम 1 कप अभी पानी डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एक गाढ़ा सा बैटर बनके तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे एक बॉल रखेंगे, और नीचे वाले बर्तन में हमने ढेर सारे बर्फ़ रख लिया है, तो इस बैटर को ठंडा रखना है। तो देख सकते हो ये बैटर अभी गाढ़ा है, तो इसे हम बाद में और पतला करेंगे। दोस्तों ये बैटर अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इस बैटर को हमें पतला करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसमें हम पानी और डालेंगे, तो इसमें हम 1 कप ठंडा पानी और डालेंगे। तो आपको यहाँ पे पहले से ही फ्रिज में पानी रख के तैयार रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से लस्सी होता है दोस्तों, उसी तरीके से हमें इसे पतला करना है। अगर आप इसे गाढ़ा कर देंगे तो फिर आपका घेवर अच्छा नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बैटर बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों पानी डालने के बाद बैटर को एक बार हम अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा टुकड़ा नींबू निचोड़ के इसमें इसका जूस डाल देंगे। इससे ये होता है दोस्तों, आप अगर इसमें नींबू निचोड़ के डालते हैं तो आपका घेवर एकदम क्रंची बनता है। तो इसमें आप 1 छोटा टुकड़ा नींबू ज़रूर डालें। अब हम नींबू को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हमने बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो दोस्तों घेवर बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके का आटा चालने वाला पुराना छन्नी ले लिया है। अगर आप आटा इससे नहीं छानते हो और आपका छन्नी ख़राब हो चुका है तो आप इसमें घेवर एकदम आसानी से बना सकते हो। अगर आपके पास ये छन्नी नहीं है तो आप फिर घेवर कोई भी सॉस पैन या फिर चाय वाली बर्तन में इसे बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर आटा छानने वाला छन्नी ले लिया है। अब जो इसका ये ख़राब हो चुका है, तो अब हम इसके जो ये जाली है इसे हम काट के निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये जाली ख़राब हो जाती है तो एकदम आसानी से निकल जाती है, इसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस छन्नी को हमने साँचा बना के तैयार कर लिया है, और ये बेकार हो चुका था ख़राब, तो इसे अब हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा साँचा बनके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो दोस्तों एक बार हम बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस बैटर को हम एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें हम भर के बैटर को डालेंगे। तो दोस्तों इसमें 5 बड़ा चम्मच बैटर आया है, तो हम यहाँ पे इतना ही यूज करेंगे, और जो बाकी का है इसे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि बैटर गर्म ना हो, बैटर हमें ठंडा ही चाहिए।
तो हमने गैस में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल एकदम अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं गैस की तरफ घेवर को बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो तेल एकदम अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो यहाँ पे तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो इस घेवर को मैं सॉसपैन में बना रही हूँ, तो इसमें हम एक एक छोटा चम्मच जितना बैटर को डालेंगे इस तरीके से। तो इसे हमें रुक रुक के डालना है, लगातार नहीं डालना है। अगर आपका बैटर अच्छा होगा तो ये सारे ऊपर आ जाएंगे, अगर बैटर आपका गाढ़ा होगा तो फिर बैटर नीचे बैठ जाएगा। तो आप उसे ठंडा पानी डाल के पतला कर ले। तो इसी तरीके से हम इसे रुक रुक के बीच में एक एक छोटा चम्मच बैटर डालते जाएंगे, और इसे डालते वक्त थोड़ा सा आप साइड हो जाए, तो इस तरीके से हम सेंटर में डालते जाएंगे। हमें बैटर को बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है। तो इसी तरीके से दोस्तों इसे हम रुक रुक के पकाते रहेंगे और इसका फ्लेम हाई रखें। तेल एकदम अच्छी खासी गर्म होगा तभी आपका ये एकदम अच्छी तरह से बनेगा। तो दोस्तों जब जब इसका झाग कम होगा तब तब हम इसमें बैटर को डालते जाएंगे और बीच में इस तरीके से जगह बना लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दें तो बैटर आपका पतला होना चाहिए, अगर गाढ़ा हो जाए तो आप उसमें ठंडा पानी डाल के उसे आप पतला कर ले, और इस तरीके से इस सेंटर में अपने आप घेवर जगह बनाते जाएगा। अगर नहीं बनाएगा तो बीच में आप चाकू से इस तरीके से साइड कर ले और इस तरह से डाले थोड़ा थोड़ा सा बैटर। दोस्तों हमने घेवर बनाने में एक बड़ा कटोरा भर के बैटर लिया था, इसमें से थोड़ा सा बच गया है, तो यहाँ पे ये सारा बैटर थोड़ा थोड़ा करके हम डाल के घेवर को बना लेंगे। तो देख सकते हो बीच में अपने आप ये सेंटर छोड़ देता है, तो यहाँ पे ये बैटर सारा खत्म हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच गया है, अब हम इसे इस तरीके से पूरा डाल देंगे और इसे अब हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो झाग बिल्कुल कम हो गया है, तो यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम में कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। जब इसका झाग कम हो जाए तो आप फ्लेम को मीडियम में करके इसे आप अच्छी तरह से पका ले। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें कलर आ गया है, तो अब हम घेवर को साइड से इस तरीके से कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस नाइफ से इसे हम इस तरीके से किनारी को छोड़ देंगे और अब हम इसे एकदम अच्छी तरह से डुबो के क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम घेवर क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार हो गया है, तो अब हम घेवर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम क्रिस्पी और क्रंची घेवर बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों घेवर का जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसे हम कढ़ाई में ही गिर जाने देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे घेवर का सारा ऑयल निकल चुका है, इसे हम एक जालीदार बर्तन में रख देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा और ठंडा होके ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब हम इसे एक जाली वाला बर्तन में रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एकदम क्रिस्पी क्रंची घेवर बनके तैयार हुआ है, एकदम जालीदार। अगर आपका बैटर अच्छा होगा तो एकदम जालीदार घेवर बनके तैयार होगा। इसी तरह से सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों गैस में हमने पैन रख दिया है, अब हमने यहाँ पे एक कप चीनी ले लिया है, ये चीनी 250 ग्राम है, उतना ही हमने पानी ले लिया है। तो एक कप हमने पानी ले लिया है इस सिरप को बनाने के लिए, और इसमें हम खोल के दो से तीन इलायची को डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बढ़िया आता है और इसमें कलर अच्छा सा दिखे उसके लिए इसमें हम एक से दो ड्रॉप येलो कलर डाल देंगे। अगर आपके पास केसर के धागे हो तो आप यहाँ पे केसर भी डाल सकते हो। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो दूसरे चूल्हे में हमने एक कढ़ाई रख लिया है, तो अब हम एक पैकेट दूध इस कढ़ाई में डाल देंगे। और इसे गर्म करेंगे, अगर आपके पास गर्म दूध हो तो आप उसे भी ले सकते हो।
इसमें हम एक टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर डालेंगे इसे गाढ़ा करने के लिए। और इसी के साथ इसमें हम एक टेबल स्पून जितना कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून चीनी ले लिया है। रबड़ी को मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करूँ, तो लगभग हमने 2.5 टेबल स्पून जितना रबड़ी में चीनी डाल दिया है। अब हम गैस जला के इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम एक साइड चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, चाशनी भी बॉयल होने लगा है। हमें इस चाशनी को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। इसमें हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे एक चिपचिपा सा चाशनी बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से जब आप इसे गिराओगे तो इस तरीके से धार गिरना चाहिए और हाथ से ऐसे छुओगे तो ये चिपचिपा सा होगा। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे यह चाशनी तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही सारा कुछ डाला हुआ है। अगर एकाध मिल्क पाउडर का लम्स रह भी गया होगा तो जैसे गुनगुना दूध होगा आप उसे इस तरीके से कर दोगे तो मिल्क पाउडर एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे यह रबड़ी बनके तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसे नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कितना गाढ़ा हो गया है। तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रबड़ी भी तैयार हो गया है और एकदम गाढ़ी सी रबड़ी बनके तैयार हुआ है। देख सकते हो कितनी गाढ़ी रबड़ी बनके तैयार हुआ है। तो इतना ही थिक रबड़ी हमें चाहिए। और यहाँ पे चाशनी भी तैयार है। तो अब हम चलते हैं, इसमें चाशनी को पहले लगा लेंगे। अगर आपको घेवर कम मीठा पसंद है, आप रबड़ी में सिर्फ 1 चम्मच चीनी डालें तो आपकी ये घेवर हल्का मीठा बनेगा। अगर आप मार्केट का घेवर लेते हो दोस्तों तो वो तो बहुत मीठा ही आपको मिलेगा। घर में आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे सबसे पहले चाशनी को इसके ऊपर इस तरीके से डालना है। तो इसके नीचे 3-4 आप एक साथ लगा सकते हो। जो इसमें चाशनी है वो एक साथ 3-4 घेवर में चली जाएगी। हमें इस तरीके से चाशनी को डाल लेना है। हम इसके ऊपर रबड़ी को लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर रबड़ी को फैला लेंगे। तो यहाँ पे हमने रबड़ी खूब सारा लगा लिया है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे रबड़ी एकदम अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसमें बादाम से गार्निश कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बादाम को भिंगो के लिया है और इसका सारा छिलका हटा लिया है। आप चाहे तो ड्राई बादाम को इस तरीके से ले सकते हो। हम इसके ऊपर पिस्ता के कतरन को डाल देंगे। इसे डालने से आपका घेवर बहुत ही सुंदर लगेगा। जिस तरीके से मार्केट का डेकोरेट किया हुआ रहता है उसी तरीके से आपका ये घेवर लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एकदम कम बजट में ही घर में ही एक क्रिस्पी जालीदार घेवर घर में ही बनके तैयार हो जाता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें हम बीच बीच में रोज पेटल डाल देंगे। इसे डालने से ये खिल के आता है और बहुत ही सुंदर आपका घेवर लगता है। अगर आपके पास रोज पेटल हो तो आप इसमें लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ एकदम यमी सा घेवर बनके तैयार हो गया है। एकदम कम बजट में आप घर पे ही टेस्टी सा घेवर बना के खा सकते हैं। दोस्तों इसे आप रक्षाबंधन में बनाएं और अपने भाई को भी खिला सकते हो और पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हो। घर पे ही सस्ते में ही ढेर सारा घेवर बनके तैयार हो जाता है। तो मेरी ये घेवर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।